हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 12 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 11 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मृत जीवी। तो देखते हैं क्या होते हैं मृत जीवी। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तने और छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। ये सब क्या है? अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनी से प्राप्त करते हैं। तो जैसे कभी बारिश आती है तो आप देखते हो जो भी चीज गली सड़ी होती है उस पर क्या बन जाते हैं, यहाँ पे जैसे गुच्छा सा बन जाता है। दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके। ऐसा आपने देखा भी होगा जब भी बारिश आती है, इस टाइप के आपने देखे होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये क्या मृत जीवी। ठीक है, क्योंकि ये गले सड़े और मृत जीवों पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषक प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीवी क्यों? क्योंकि मृत और विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मृत जीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती हुई कवक और यीस्ट, ये सभी एग्जाम्पल किसके बच्चों, मृत जीवी के। जैसे कि आपने दिखाई गया सड़े गले वृक्ष पर उगा हुआ छत्रक। तो आगे देखते कवक अचार, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो, वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे अच्छी जो होती है ऋतु इनके लिए वर्षा ऋतु होती है, कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, नमी आ जाती है हर एक चीज में, और नमी आने से क्या होता है, वही उनको चाहिए होती है और उसकी वजह से ये अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक का जन्म देते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। तो देखते हैं क्या क्या कैसे उपयोगी है ये हमारे लिए। जैसे उदाहरणतः छत्रक को, जैसे छत्रक जो हमने अभी फोटो में देखा था, छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है, जबकि यीस्ट का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलिन का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। जो पेनिसिलिन है ये भी एक कवक है, इसका उपयोग पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक पादपों, जंतु और मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण ही होता है। तो कुछ क्या उपयोगी होते हैं, कुछ क्या होते हैं हानिकारक होते हैं, जो हमें रोग देते हैं। जैसे कि दाद जो होता है, दाद वो हमें कवक के कारण ही होता है बच्चों। तो इसमें गतिविधि देखते हैं इसके लिए हम। आप एक क्या लेंगे, ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो दे। जल में क्यों भिगो, ताकि उसको नमी आ जाए उसके अंदर। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस दिन तक, उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक उस पर कोई रोई जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोई जैसी संरचना ही कवक कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको ब्रेड दिखाई दे रहा है, तो ब्रेड पे जैसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दे गीला करके, तो यहाँ पे क्या रोई जैसी संरचना आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कवक। ये क्या कवक आ गया इसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आ गया हम। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ में रहते हैं और वृक्ष कवक का पोषण प्रदान करते हैं। ऐसे कवक जो वृक्ष की जड़ में रहते हैं और वो क्या करते हैं, वृक्ष को पोषण प्रदान करते हैं, और बदले में वो क्या देते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। ठीक है, तो बदले में वो क्या देते हैं, पेड़ से उन्हें जल और पोषक को ले लेते हैं। जैसे आगे हम देख रहे हैं, लाइकन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं लाइकन का, इसमें क्या होते हैं, 2 भागीदार होते हैं। जैसे कि इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। तो पहला क्या, शैवाल और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है।
तब कवक क्या करता है, शिवाल को रहने के का स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो कवक उस शिवाल को देता है जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान देता है। बदले में शिवाल क्या लेते उसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है, क्योंकि शिवाल के पास क्या था बच्चों, क्लोरोफिल था। तो जो क्लोरोफिल की हेल्प से वो खाना बनाता है वो कवक को दे देता है बच्चों। आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट में, समझ में आया आपको कवक और शैवाल का रिलेशन क्या है, कि शैवाल क्या है क्लोरोफिल होता है इसके पास तो ये खाना बना लेता है, और कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये शैवाल से प्रिपेयर खाना खा लेता है, और कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व देता है बच्चों। तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये एग्जाम्पल सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल हो गया बच्चों। तो ये पूरी वर्कशीट अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश वे डैश कवक हमारे लिए उपयोगी हैं, तो कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी थे बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमने पढ़े थे, फर्स्ट था हमारे पास छत्रक, यहाँ पे हमने पढ़े छत्रक, फर्स्ट क्या छत्रक, ये भी हमारे लिए उपयोगी था, और जबकि यीस्ट, यीस्ट का उपयोग भी किया जाता है, पेनिसिलिन भी लिख सकते हैं, तो आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे छत्रक। सेकेंड है यीस्ट, अगर आपको पेनिसिलिन लिखना है तो पेनिसिलिन भी लिख सकते हैं, तीनों इसके हमारे लिए उपयोगी कवक है। नेक्स्ट है चमड़े का प्रयोग, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे डैश के कारण खराब हो जाती हैं। तो चमड़े की वस्तु किस चीज़ के कारण खराब हो जाती है बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ा था चमड़े, चमड़े के लिए किससे खराब होती है बच्ची, कवक से। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कवक, कवक के कारण ये खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट है लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार डैश है, तो क्लोरोफिल किसके पास था बच्चों, शैवाल के पास, तो यहाँ पे आंसर आएगा शैवाल। नेक्स्ट है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो सहजीवी संबंध क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया था कुछ जीवी जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, सहजीवी संबंध कहते हैं। तो इसका आंसर यह होगा बच्चों, फर्स्ट का इधर से लेकर इधर तक, यह आपका सहजीवी संबंध की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको इसका एक उदाहरण के साथ समझाइए, तो आप उदाहरण के लिए यहाँ पे तो आप ये वाला लिख सकते हैं इसमें, तो आप ये वाला आंसर इसका यहाँ से लेकर, यह आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको भी नहीं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको लिखना है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये भी मैं हटा देती हूँ इसको, यहाँ से ये पूरा ही आपको लिखना है, तो आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है, अगर आपको बच्चों ये समझ में अच्छी लगी तो इस वीडियो के एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।